Good afternoon, students. So yesterday we have discussed about the complete linkage in which the genes located on the same chromosome, they are called the linked genes, and they get inherited together in the gametes and in the offspring. So they have no chances of separation, no chances of crossing over. So only parental types are formed in case of complete linkage. That means if you test across the F1 individuals, and then you will get the testicular ratio of 1:1, 50% a parental type, 50% second parental type. There are no chances of formation of recombinants, ठीक है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाया, सेपरेशन कोई नहीं होता. बट अब जीन्स जो होती है वो हमेशा इतनी क्लोज नहीं होती है कि कंप्लीट लिंकेज हो जाए, ठीक है. द जीन्स आर समटाइम्स लोकेटेड वेरी फार फ्रॉम ईच अदर ऑन द सेम क्रोमोसोम, दे सो दे हैव सम चांसेस ऑफ दिस क्रॉसिंग ओवर, दे हैव सम चांसेस ऑफ रिकम्बिनेशन. तो इसीलिए ये फिर उनके दरमियान क्या हो जाता है, इनकम्प्लीट लिंकेज कहते हैं उसको. दैट मीन्स द जीन्स डिस्टेंटली लोकेटेड इन द क्रोमोसोम शो इनकम्प्लीट लिंकेज बिकॉज दे हैव अ चांस ऑफ सेपरेशन बाय क्रॉसिंग ओवर एंड ऑफ गोइंग इन टू डिफरेंट गेमिट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है. दैट मीन्स द जीन्स लोकेटेड डिस्टेंटली ऑन chromosome have chances of separation by crossing over and of going into different gametes and offsprings, hence show incomplete linkage. That is why they show incompletely. इसीलिए वो कौन सा लिंकेज दिखाते हैं, इनकम, क्योंकि अगर वो दूर दूर है, अगर उनके दरमियान क्रॉसिंग ओवर कितना भी परसेंट होता है, लेकिन फिर भी वो फिर क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएंगे. सेपरेट होने के बाद वो डिफरेंट गेमिट्स में जाए, डिफरेंट गेमिट्स या डिफरेंट ऑफस्प्रिंग्स में जाएंगे, तो इनकम्प्लीट लिंकेज दिखाएगा. दैट मीन्स जो आपकी प्रोजेनीज आएंगी उसमें सिर्फ आपको पेरेंटल टाइप्स नहीं मिलेगी, जैसे हमें मिले थे कंप्लीट डोमिनेंट ये लिंकेज में, वहां पर हमें सिर्फ टेस्ट क्रॉस में पेरेंटल्स मिले थे, कोई रिकम्बिनेंट नहीं मिला था. लेकिन यहाँ पर आपको पेरेंटल्स भी मिलेंगे, रिकम्बिनेंट्स मिले. अगर रिकम्बिनेंट्स मिलते हैं, दैट मीन्स क्रॉसिंग ओवर हैज टेकन प्लेस. अगर रिकम्बिनेंट्स नहीं मिलते हैं, तो आप ये कैसे गैस करोगे कि आपको एक क्रॉस दिया जाएगा, उसकी प्रोजेनी दी हुई कि यह हुआ है, आप कैसे गैस करोगे कि इसमें कंप्लीट लिंकेज हुआ है या इनकम्प्लीट है. अगर उसमें सिर्फ पेरेंटल्स निकले थे प्रोजेनी में, तो वो कंप्लीट लिंकेज है, दैट मीन्स वो सेपरेट नहीं हुए हैं. अगर उसमें से पेरेंटल्स भी है और रिकम्बिनेंट्स भी है, तो उसमें वो इनकम्प्लीट लिंकेज हुआ है. और हमेशा जो रिकम्बिनेंट्स होते हैं, रिकम्बिनेंट वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है. वो या तो इक्वल टू आर लेस देन 50% हो सकता है, 50% से ज्यादा कभी नहीं हो सकते हैं रिकम्बिनेंट. और बाकी क्या होते हैं, पेरेंटल टाइप्स. यहाँ पर हम इनकम्प्लीट लिंकेज को एक्सप्लेन करने के विल टेक एन एग्जांपल, वेयर वी विल क्रॉस ए पी प्लांट हैविंग ब्लू फ्लावर्स एंड लॉन्ग पोलन ग्रेन्स एंड विद इट इज डबल डोमिनेंट पेरेंट. दैट मीन्स ब्लू फ्लावर कलर इज डोमिनेंट एंड लॉन्ग पोलन कलर इज पोलन ग्रीन शेप इज डोमिनेंट. इसको हम क्रॉस करेंगे रेड फ्लावर प्लांट विथ राउंड पोलन ग्रेन्स, एक और पी प्लांट से जिसके फ्लावर्स रेड हैं और उसके जो पोलन ग्रेन्स का शेप है वो राउंडेड है, ठीक है.
वो डबल रिसेसिव है, वो ये डबल डोमिनेंट है। ये हमने मेंडल के वर्क में भी पढ़ा है कि कैपिटल से हम डोमिनेंट दिखाते हैं और स्मॉल अल्फाबेट से हम रिसेसिव दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जब गैमेटस बनेंगे, जैसे हमने देखा था वहां पर ये अगर लिंकड जीन्स होते थे वो एक साथ ही जाते, लेकिन ये सेपरेट होते हैं। बी एल एक गेमिट बनेगा, बी एल दूसरा गेमिट बनेगा। इसी तरह उसमें भी बी एल और बी एल दो सिमिलर गेमिट्स बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये पोलन ग्रेन्स हैं, अब वो एग्स हैं, अब ये क्रॉस करेंगे। जब ये क्रॉस करेंगे तो हमें एफ वन जनरेशन मिल जाएगी। एफ वन जनरेशन में इस तरह का जीनोटाइप मिलेगा, कैपिटल बी, कैपिटल एल, स्मॉल एल, ये सब में मिलेगा। और क्योंकि ब्लू कलर, ब्लू फ्लावर कलर डोमिनेंट है रेड पे और लॉन्ग पोलन ग्रेन डोमिनेंट है राउंड पे, इसीलिए एफ वन जनरेशन में हमेशा डोमिनेंट मिलते हैं और हमें इसमें मिलेंगे ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलन ग्रेन बट हाइब्रिड। उनका जो जीनोटाइप होगा वो डिफरेंट होगा इसके पेरेंटल डोमिनेंट से, ठीक है। अब अगर यहाँ पर हम टेस्ट क्रॉस करवाएंगे, अगर ये कंप्लीट लिंकेज होगा तो फिर ये 1:1 रेशियो दिखाएगा, लेकिन अगर ये इनकम्प्लीट ये लिंकेज होगा तो फिर डिफरेंट रेशियोज आएंगे, ठीक है। पर टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है जब हम एफ वन हाइब्रिड को क्रॉस करवाते हैं रिसेसिव पेरेंट के साथ। रिसेसिव पेरेंट यहाँ पर रेड फ्लावर्ड एंड राउंड पोलन ग्रेन है, इसीलिए हम इसको यहाँ इसमें से एक उठाएंगे और ये रिसेसिव पेरेंट, ये टेस्ट क्रॉस हो गया। जैसे टेस्ट क्रॉस हो गए, यहाँ पर गेमिट्स बनेंगे, चार गेमिट्स बनेंगे यहाँ पर। ये हिटेरियोजाइगोसिटी जितनी होगी, गेमिट्स कैसे बनते हैं, टू रेज इट पावर एन, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ हेटेरियोजाइगोसिटी। कितनी हेटेरियोजाइगोसिटी है, एक हेटेरियोजाइगोसिटी, दो को टू रेज इट पावर टू, तो 2 to the 4 चार गेमिटस बन जाएंगे यहाँ पर। तो वही चार गेमिटस ये वाले बन गए क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। यहाँ पर भी दो गेमिटस बन लेंगे, वो सिमिलर होंगे, इसलिए मैंने एक गेमिट बना लिया यहाँ पर। जब इनको क्रॉस करवाएंगे हमको यहाँ पर ये प्रोजेनिस मिले। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल बी, कैपिटल स्मॉल बी, कैपिटल एल, स्मॉल, ये पैरेंटल टाइप था कि नहीं, निकला हमें पैरेंटल टाइप। कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी, कैपिटल स्मॉल एल, स्मॉल एल, ये भी पैरेंटल टाइप था, निकल गए दो पैरेंटल टाइप। लेकिन ये वाले कहाँ से आ गए, ये दो, ये तो नए हैं, इनको हम कहते हैं रिकम्बिनेंट। क्यों आए हैं, क्योंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर हुआ है, कितना भी हुआ है लेकिन क्रॉसिंग ओवर हुआ है। इसकी वजह से जब आप पूरे ये गैमेट्स बनाएंगे सारे इसके भी, तो फाइनली हमको रेशो आता है 7:1:1:7, जो नहीं आना चाहिए था अगर ये कंप्लीट लिंकेज होता है, क्योंकि ये इनकम्प्लीट लिंकेज है। जीन्स क्रॉसिंग ओवर दिखाते हैं, इसीलिए क्रोमोसोम्स में क्रॉसिंग ओवर होता है, इसीलिए हमें पेरेंटल्स भी मिल गए और रिकम्बिनेंट भी मिल गए। लेकिन रिकम्बिनेंट्स याद रखना हमेशा 50% होंगे, या तो 50% या तो 50% से कम होगी, 50% से ज्यादा कभी नहीं हो सकती, ठीक है। दिस इज द इनकम्प्लीट लिंकेज। अब अगर एक क्वेश्चन आता है कि लिंकेज ग्रुप्स कितने होते हैं, लिंकेज ग्रुप्स, आपको क्रोमोसोम नंबर दिया जाएगा, आपको बताना है कि लिंकेज ग्रुप कितने होते हैं, ठीक है। लिंकेज ग्रुप्स का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल लिंकेज ग्रुप्स क्या, लिंकेज ग्रुप मींस ऑल द जीन्स इन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम फॉर्म ए लिंकेज ग्रुप। सिंस द जीन्स इन द पर्टिकुलर क्रोमोसोम हैव देयर एलील्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग होमोलॉग्स, ए पेयर ऑफ होमोलॉग्स क्रोमोसोम्स आर सेड टू फॉर्म ए सिंगल लिंकेज ग्रुप, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है कि नहीं, लेकिन अगर यहाँ पर एक जीन है उसका एलील दूसरे पे होता है, इसीलिए एक जीन के दो एलील्स होते हैं, इसीलिए एक होमोलॉगस पेयर को हम एक लिंकेज ग्रुप बताते हैं, ठीक है। एक होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को हम एक ह्यूमन, तो अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स है, तो फिर कितने लिंकेज ग्रुप्स हो गए, 23 लिंकेज ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये डिपेंड करता है कि किसमें डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर किसमें क्या है। फॉर एग्जांपल जो ये ड्रोसोफिला है उसमें आठ क्रोमोसोम्स है, दैट मीन्स उसमें चार लिंकेज ग्रुप्स है, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखोगे पी प्लांट में 14 क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें 7 लिंकेज ग्रुप्स होते हैं, दैट मीन्स लिंकेज ग्रुप में हम एक लिंकेज ग्रुप एक होमोलॉगस पेयर बताता है, ठीक है। इसलिए जितने क्रोमोसोम्स होते हैं उसका हाफ हमारा लिंकेज ग्रुप्स होगा, ठीक है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज। ओके, थैंक यू।